जय हिंद बच्चों, आज हम हेलो एल्किंस का दूसरा पार्ट पार्ट टू पढ़ेंगे, जिसमें कि हम हेलो एरिन्स बनाने की विधियां और उसकी रासायनिक अभिक्रिया और फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। हेलो एरिन्स का विरचन या हेलो एरिन्स बनाने की विधियां, पहली विधि है हेलो एरिन्स बनाने की हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा या इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। हाइड्रोकार्बन्स के इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन से हम एराइल हैलाइड्स बना सकते हैं। एराइल क्लोराइड तथा ब्रोमाइड का विरचन या बनाने की जो विधि है, आयरन या आयरन थ्री के क्लोराइड्स अथवा किसी अन्य लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एरिन्स का क्लोरीन अथवा ब्रोमीन द्वारा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन करके हम इसे बना सकते हैं। इस तरह से रिएक्शन देख सकते हैं। टॉलुइन है, टॉलुइन की X2 कोई भी हैलोजन हो सकता है। आयरन की उपस्थिति में अंधेरे में यह अभिक्रिया हो रही है तो ऑर्थो हेलो टॉलुइन और पैरा हेलो टॉलुइन प्राप्त हो रहा है। अमीन से भी दूसरी विधि है, इसे अमीन से बना सकते हैं और जो कि सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में दो स्टेप में होती है, पहले डाइजोनियम लवण बनाया जाता है अमीन से, फिर उसके बाद डाइजोनियम लवण से हेलो एरिन प्राप्त किया जाता है। तो जब ठंडे जली खनिज अम्ल में घुली अथवा निलंबित किसी प्राथमिक अमीन को सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिकृत किया जाता है, उसके साथ उसकी क्रिया कराई जाती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो डाइजोनियम लवण बनता है और ताजा बने डाइजोनियम लवण को फिर उसकी अभिक्रिया कराई जाती है क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड द्वारा और ये इसके सॉल्ट द्वारा होती है अभिक्रिया और ये प्रतिस्थापित हो जाते हैं, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। तो इस तरह से इसकी अभिक्रिया है, पहले एनिलीन को NaNO2 और HX की उपस्थिति में 273 से 278 डिग्री केल्विन तक का टेम्परेचर लेते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है और इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की कॉपर के हैलाइड सॉल्ट के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो एराइल हैलाइड प्राप्त होता है और साथ में नाइट्रोजन मुक्त हो जाता है। जब KI से अभिक्रिया कराते हैं बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की तो आइडोबेंजीन प्राप्त होता है। भौतिक गुण, अब हम हेलो एल्केन्स एवं एरिन्स के भौतिक गुणों के बारे में देखेंगे। शुद्ध अवस्था में अल्काइल हैलाइड एक रंगीन यौगिक है, परंतु ब्रोमाइड तथा आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं और अनेक वाष्पशील हैलोजन युक्त यौगिक जो है वो सुगंधमय होते हैं। उच्च ध्रुवता एवं जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में इनकी उच्च आणविक द्रव्यमान होने के कारण हैलोजन व्युत्पन्न में प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल होता है एवं द्विध्रुव जिसे कि हम डायपोल कहते हैं, डायपोल अट्रैक्शन होता है और वंडरवाल अट्रैक्शन भी होता है इसमें। यही कारण है कि क्लोराइड ब्रोमाइड तथा आयोडाइड के क्वथनांक संतुल्य द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन अपने साथ वाले हाइड्रोकार्बन से के क्वथनांकों की अपेक्षा अधिक होते हैं, उनमें काफी अंतर पाया जाता है। समान एल्किल समूह के लिए एल्काइल हैलाइड के क्वथनांकों के घटने का क्रम इस प्रकार है, RI सबसे अधिक है, फिर उसके बाद RBR है, फिर RCl है, फिर RF है। ये हम देख सकते हैं, आइडो एरिन, ब्रोमो एरिन, फिर क्लोरो एरिन। कुछ एल्काइल हैलाइड के क्वथनांकों की तुलना की गई है इस चार्ट में, इस ग्राफ द्वारा। जो लाल रंग है वो क्लोराइड को प्रदर्शित कर रहा है, जो नीला रंग है वो ब्रोमाइड को एवं जो पीला रंग है वो आयोडाइड को। तो इस तरह से हम इसके क्वथनांक देख सकते हैं, इन तीनों में क्वथनांक में किस तरह से अंतर होता है इस ग्राफ द्वारा देख सकते हैं। क्लोराइड का सबसे कम है, फिर उसके बाद ब्रोमाइड का होता है, फिर उसकी सबसे अधिक जो है आयोडाइड का होता है। अगला पॉइंट है इसका घनत्व। हाइड्रोकार्बन के ब्रोमो आयडो तथा
पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न जल की तुलना में भारी होते हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या, हैलोजन परमाणुओं की संख्या तथा हैलोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने से घनत्व बढ़ता जाता है। कुछ यौगिक दिए हुए हैं जिनके की घनत्व दिए हुए हैं इस चार्ट में, जैसे कि नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, इसका घनत्व है 0.89। इस तरह से कुछ अन्य यौगिकों के घनत्व दिए हुए हैं इस चार्ट में। विलेयता, हेलो एल्केन जल में बहुत अल्प विलेय होते हैं और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनकी विलेय होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। हेलो एल्केन्स की प्रवृत्ति कार्बनिक विलायकों में घुलने की होती है, क्योंकि ये विलायक अणु के मध्य बने नए अंतरआणविक आकर्षण बलों की सामर्थ्य लगभग उतनी ही होती है जितनी की टूटने वाले अलग अलग बंध की तथा विलायक अणुओं के मध्य होता है। अब हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखेंगे, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देते हैं ये, कौन से बंध टूटते हैं। रासायनिक अभिक्रिया इनमें मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। हेलो एल्केन की अभिक्रिया को निम्न तीन प्रकार में बांटा जाता है। पहला, नाभिक रागी प्रतिस्थापन, जिसे कि हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन भी कहते हैं, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। और दूसरे प्रकार की निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं, जो जिसे कि हम एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। और तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया होती है, मेटल के साथ, रिएक्शन विद मेटल्स। तो इन सब प्रकार की अभिक्रियाएं पाई जाती हैं, तीन प्रकार की अभिक्रियाएं मुख्यतः पाई जाती हैं हेलो एल्केन्स में। तो सबसे पहले जो हेलो एल्केन की अभिक्रिया है वो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, या हम इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी कह सकते हैं। जैसे कि नाम है, नाभिक स्नेही मीन्स इसमें ऐसे स्पीशीज अटैक करते हैं जिसके ऊपर ऋण आवेश होता है, मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। ऐसे स्पीशीज द्वारा जब प्रतिस्थापन होता है तब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहते हैं। इसमें हैलोजन परमाणु से आबंधित कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश होता है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है तथा हैलाइड आयन निकल जाता है, जिसे अवशिष्ट समूह कहते हैं। क्योंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाभिक रागी स्पीशीज द्वारा होती है या नाभिक स्नेही स्पीशीज द्वारा होती है, इसलिए इस प्रकार के प्रतिस्थापन को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप रिएक्शन में देख रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल जिसपे कि नेगेटिव चार्ज है मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये जब हेलो एल्केन के कार्बन और हेलोजन के बीच का जो मध्य जो बंध है CH बंध, जिसपे कि कार्बन पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से इस पे एक ध्रुवीयता आ जाती है और हेलोजन समूह द्वारा न्यूक्लियोफाइल समूह प्रतिस्थापित हो जाता है और हेलोजन समूह हैलाइड के रूप में बाहर निकल जाता है। यह एल्काइल हैलाइड की कार्बनिक अभिक्रियाओं का एक प्रमुख उपयोगी संवर्ग है, जिसमें हेलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से आबंधित होता है। एल्काइल हैलाइड का नाभिक रागी प्रतिस्थापन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन RX बॉन्ड का इस अभिक्रिया द्वारा हम देख सकते हैं, RX प्लस NU नेगेटिव, जहां की RX एल्काइल हैलाइड है और इसके मध्य का जो बंध है RX बंध है ये टूटता है। X समूह की जगह नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल प्रतिस्थापित हो जाता है और इस तरह से इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ये दो प्रकार से होती है। कुछ अल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म शो करते हैं, कुछ अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं, और कुछ अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो दोनों प्रकार के मैकेनिज्म शो करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन दो क्रियाविधियों द्वारा संपन्न होती है। पहली जो है द्वि अणु नाभिक रागी नाभिक स्नेही, जिसे कि हम नाभिक स्नेही SN2 प्रतिस्थापन कहते हैं, और इसे
बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं हम। और दूसरे प्रकार की जो है एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन या यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसे कि हम SN1 से प्रदर्शित करते हैं, SN1 से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये जो है CH3Cl तथा हाइड्रोक्साइड आयन की अभिक्रिया, जिसमें कि मिथेनॉल तथा क्लोराइड आयन बनता है, द्वितीय कोटि बल गतिकी का अनुसरण करती है यह अभिक्रिया। और ये जो SN2 मैकेनिज्म है मेनली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड द्वारा दी जाती है और ये एक पद में संपन्न होती है। यहाँ पर देख सकते हैं अभिक्रिया का वेग दोनों अभिक्रियाओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। यहाँ पर हम इस अभिक्रिया में देख सकते हैं कि किस तरह से OH जो है OH हाइड्रोक्सिल आयन जो कि एक न्यूक्लियोफाइल के भांति व्यवहार कर रहा है यहाँ पर, और CH3Cl है जो कि मिथाइल क्लोराइड है, इसका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा OH द्वारा। और इसमें सबसे पहले जो OH समूह है वो CH3Cl के अणु के साथ जुड़ जाएगा टेम्परेरी बॉन्ड बनाकर, और क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और यहाँ पर इसकी कार्बन की 5 वैलेंसी हो रही है, इसमें अनस्टेबिलिटी आ जाती है और ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। और इसमें से फिर हेलोजन वाला जो बॉन्ड है कार्बसी और Cl के मध्य का जो बंध है वो टूट जाता है और इस प्रकार से इससे क्लोराइड बाहर निकल जाता है। तो ये अभिक्रिया SN2 मैकेनिज्म पर आधारित है, जिसमें कि ये एक ही पद में होती है लेकिन इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो कि अनस्टेबल होता है और फिर कार्बन और एक्स या कार्बन और क्लोराइड के मध्य का जो बंध है वो टूट जाता है और क्लोराइड आयन मुक्त हो जाता है और OH उसमें जुड़ा रहता है। इस तरह से OH का क्लोराइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। लाल बिंदु के जो अभिक्रमक है वो हाइड्रोक्साइड आयन को तथा हरा बिंदु है जो हैलाइड को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए इसमें हाइड्रोक्सिल आयन जब मिथाइल क्लोराइड के साथ जुड़ता है तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसमें कि एक तरफ हाइड्रोक्सिल समूह भी जुड़ जाता है और अस्थाई होने की वजह से ये टूटकर और क्लोराइड का जो आयन है वो हरे रंग से के बिंदु से बड़े बिंदु से प्रदर्शित हो रहा है चित्र में, राउंड दिख रहा है ग्रीन कलर का, वो क्लोराइड आयन बाहर निकल जाता है। एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन ये यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसे कि SN1 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये अभिक्रिया ज्यादातर जो है टर्शरी हैलाइड्स देते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स ये इस प्रकार का मैकेनिज्म शो करते हैं। SN1 SN1 अभिक्रियाएं सामान्यतः ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों जैसे जल, अल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि में संपन्न होती है। मीन्स ध्रुवीय मीन्स जिसमें एच आयन, जिसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों होते हैं, इस प्रकार के लिक्विड्स में संपन्न होती है, इस प्रकार के कंपाउंड्स में संपन्न होती है। उदाहरण के लिए 2-ब्रोमो-2-मिथाइल-प्रोपेन, ये जो है इसमें इसमें जो कार्बन है 2-ब्रोमो-2-मिथाइल-प्रोपेन में, ये एक टर्शरी कार्बन है। इसे टर्शरी कार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे अन्य 3 मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। ऐसे केस में जो हैलाइड होता है या जो भी व्युत्पन्न होता है उसे हम टर्शरी कहते हैं, टर्शरी कार्बन कहते हैं। तो इसलिए टर्शरी कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इसलिए टर्शरी हैलाइड है ये, और टर्शरी हैलाइड्स SN1 अभिक्रिया
SN1 प्रकार का मैकेनिज्म शो करते हैं। तो इस केस में हम देख रहे हैं CH3 होल थ्राइस CBr जो कि 2-bromo-2-methyl-propane है, जब न्यूक्लियोफाइल जो कि हाइड्रोक्सिल समूह है इससे क्रिया करता है तो 2-methyl-propane-2-ol बनता है, जो ब्रोमो समूह है वो हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है और जो व्युत्पन्न प्राप्त होता है वो एल्कोहल होता है 2-methyl-propane-2-ol। अब जो तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड तथा हाइड्रोक्साइड आयन के मध्य अभिक्रिया होती है तो तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल देती है यह अभिक्रिया, और ये जो अभिक्रिया है प्रथम कोटि की बल गतिकी का अनुसरण करती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग एक अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर करता है जो कि तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। यह अभिक्रिया SN1 प्रकार की जो अभिक्रिया है दो चरणों में संपन्न होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो स्टेप्स में पूरे होते हैं। प्रथम चरण में ध्रुवी CBr या CX बंध का धीमा विदलन होता है, मींस ये जो बंध है CX का जो बंध है ये ब्रेक हो जाता है और कार्बन पे एक धनावेश या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसलिए इसे कार्बोकेटायन कहते हैं, तथा ब्रोमाइड पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए ब्रोमाइड का नेगेटिव आयन बनता है। तो फर्स्ट स्टेप जो कि बहुत स्लो स्टेप है जिसमें कि जो टर्शरी ब्रोमाइड है टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड है फर्स्ट स्टेप में इसमें जो CX CBr जो बंद है वो टूटता है और कार्बन पे एक धनावेश आ जाता है और इसको कार्बोकेटायन कहा जाता है। सेकेंड स्टेप में या द्वितीय चरण में इस प्रकार निर्मित कार्बोकेटायन पर नाभिक स्नेही द्वारा या न्यूक्लियोफाइल द्वारा जो कि हाइड्रोक्सिल आयन है इस केस में इसका आक्रमण होता है या इस पर रिएक्ट करता है, ये इसे अटैक करता है। और सेकेंड स्टेप जो कि बहुत फास्ट स्टेप है और ये एल्कोहल में चेंज हो जाता है, तो ये दो स्टेप्स में होती है पूरी। एक फर्स्ट स्टेप जिसमें CX बॉन्ड टूटता है ब्रेक होता है इसका विदलन होता है, और सेकेंड स्टेप में जब न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटायन से जुड़ जाता है। एल्काइल हैलाइड में टर्शियरी एल्काइल हैलाइड तीव्रता से SN1 अभिक्रिया देते हैं क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन का स्थायित्व सर्वाधिक होता है। तो SN1 प्रकार का जो मैकेनिज्म है वो टर्शियरी कार्बोकेटायन जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से प्राप्त होते हैं वो सबसे ज्यादा देते हैं क्योंकि इनका स्थायित्व सर्वाधिक होता है। हम SN1 तथा SN2 अभिक्रिया के लिए अल्काइल हैलाइड की क्रियाशीलता को इस प्रकार से देख सकते हैं, तृतीयक हैलाइड फिर द्वितीयक हैलाइड फिर प्राथमिक हैलाइड। तो हम SN2 मैकेनिज्म की बात करें अगर तो ये जो बढ़ते हुए क्रम में है मतलब सबसे कम क्रियाशील जो है या SN2 मैकेनिज्म देने वाला हैलाइड है वो तृतीयक हैलाइड है, फिर उसके बाद द्वितीयक हैलाइड SN2 देते हैं, फिर सबसे अधिक तीव्रता से जो देते हैं वो प्राथमिक हैलाइड होते हैं। तो SN2 अभिक्रिया अधिकतर मोस्टली SN2 अभिक्रिया प्राथमिक हैलाइड द्वारा दी जाती है और SN1 अभिक्रिया के लिए ये क्रम उल्टा होता है, प्राथमिक हैलाइड सबसे कम SN1 मैकेनिज्म शो करते हैं जबकि जो द्वितीयक हैलाइड है उसके बाद और सबसे अधिक जो इस क्रियाविधि को शो करते हैं इस मैकेनिज्म को SN1 मैकेनिज्म को शो करते हैं यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं वो तृतीयक हैलाइड्स होते हैं। दोनों जो प्रकार की क्रियाविधि है SN1 एवं SN2 दोनों प्रकार की जो क्रियाविधि है इसमें अल्काइल समूह के लिए हैलाइड RX की क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी का क्रम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आयोडाइड और फिर उसके बाद ब्रोमाइड फिर क्लोराइड फिर RF। इन्हीं कारणों से एलिलिक तथा बेंजिलिक हैलाइड SN1 अभिक्रिया के प्रति
अधिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं और इस प्रकार निर्मित कार्बोकैटायन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। देख रहे हैं बेंजीन रिंग में जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है वो अनुनाद के द्वारा, अनुनाद क्योंकि बेंजीन रिंग में अनुनाद होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो एक जगह नहीं ठहरते हैं, पूरे में मूव करते रहते हैं और इसकी वजह से जो कार्बोकैटायन है वो स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। और दोनों क्रिया विधियों में दिए हुए एल्काइल समूह के लिए हैलाइड आरएक्स की जो क्रियाशीलता का क्रम है वो इस प्रकार है, आरआई सबसे अधिक क्रियाशील होता है, उसके बाद आरबीआर होता है, फिर उसके बाद आरसीएल होता है, फिर अंत में फ्लोराइड्स जो हैं सबसे कम क्रियाशील होते हैं। अगले प्रकार की जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, वो है विलोपन अभिक्रिया, जिसे कि हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें से कोई अणु निकल जाता है जब, तब ये इस प्रकार की अभिक्रिया होती है, विलोपन अभिक्रिया। जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक सॉल्यूशन में गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हेलोजन परमाणु का विलोपन होता है, इसे हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। जिस कार्बन से हेलोजन समूह लगा होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है और उसके जो बाजू वाला जो कार्बन होता है उसके पास वाला जो कार्बन होता है वो बीटा कार्बन होता है और उसके नेक्स्ट जो होता है वो गामा कार्बन होता है। तो इस तरह से जब अल्फा कार्बन से हेलोजन समूह और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन मुक्त हो जाता है तो इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है और एक अणु बाहर निकल जाता है और ये विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। वी हाइड्रोजनन या डीहाइड्रोजनेशन, जिसमें कि हाइड्रोजन समूह का विलोपन होता है, हाइड्रोजन समूह निकल जाता है, तो वी हाइड्रोजनन के फलस्वरूप वह एल्केन मुख्य रूप से निर्मित होता है जिसमें द्विआबंधी कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूह की संख्या अधिक होती है। ये जो अभिक्रिया देख रहे हैं हम, इसमें विलोपन अभिक्रिया भी है जिसमें कि HBr अणु निकल रहा है और दूसरी जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी शो कर रही है जिसमें कि प्रतिस्थापन हो रहा है। धातुओं से अभिक्रिया, तीसरी प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो धातुओं से होती है। जब एल्काइल हैलाइड की या हेलो एल्केन की धातु के साथ, जैसे कि मैग्नीशियम धातु के साथ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो जिसे कि ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक कहते हैं, इसमें बनता है RMgX जिसका कि सामान्य सूत्र होता है। तो यहाँ इस केस में क्या बन रहा है, CH3CH2MgBr जो कि ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक है या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब हेलो एरिन्स की अभिक्रियाएं, अभी हम हेलो एल्केन्स की अभिक्रियाएं देख रहे थे, रासायनिक अभिक्रियाएं, अब हेलो एरिन्स की देखेंगे। नाभिक रागी प्रतिस्थापन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एरिन्स में, एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति निम्नलिखित कारणों से कम क्रियाशील होते हैं। जो एराइल हैलाइड्स होते हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन इतनी आसानी से नहीं देते, बहुत कम देते हैं, कम मात्रा में देते हैं। तो पहला जो कारण है इसका अनुनाद, अनुनाद की वजह से इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने में मुश्किल आती है। कार्बन और एक्स बंध, इसके जो है इसके परमाणुओं के मध्य संकरण होता है, कौन सा, sp2 संकरण होता है, जिसकी वजह से ये बंध आसानी से टूटता नहीं है और ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दे पाते। फिनाइल धनायन का अस्थायित्व, जो फिनाइल धनायन है, फिनाइल समूह है, उसका जो धनायन है क्योंकि उसमें अनुनाद होता है वो अस्थायी होता है, उसकी वजह से भी ये कम क्रियाशील होते हैं। और जो चौथा कारण है, संभावित प्रतिकर्षण के कारण,
तो इनके मध्य जो प्रतिकर्षण होता है उसकी वजह से भी ये आसानी से अभिक्रिया नहीं देते, नाभिक में ये अभिक्रिया नहीं देते। हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, ये जो है हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा इसमें जो प्रतिस्थापन होता है क्लोरोबेंजीन में, ये NaOH की उपस्थिति में होता है और 623 केल्विन टेम्परेचर होता है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसमें, और एच आयन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। तो ये क्लोरोबेंजीन से फिनॉल प्राप्त होता है। जो अगली अभिक्रिया है जिसमें कि नाइट्रोबेंजीन लेते हैं, नाइट्रो समूह की उपस्थिति होने पर क्रियाशीलता बढ़ जाती है हैलोजन्स की, हैलो एल्केन्स की। तो इसमें सेकेंड रिएक्शन में हम देख रहे हैं इसमें दो नाइट्रो समूह हैं, और तब जब ये अभिक्रिया कराई जाएगी तो इसकी ये क्रियाशीलता अधिक होगी और ये अभिक्रिया तेजी से संपन्न होगी और डायनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होगा हमें। ऐसे ही अगले रिएक्शन में हम देख रहे हैं तीन पोजीशंस पे नाइट्रो समूह है, तो जिसकी वजह से और क्रियाशीलता बढ़ गई है। तो इसको सिर्फ गर्म करने पर H2O की उपस्थिति में ये फिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। नाइट्रो समूह की वजह से इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की या प्रतिस्थापन की प्रकृति बढ़ जाती है। दूसरे प्रकार का जो प्रतिस्थापन जो बेंजीन रिंग शो करता है या एराइल हैलाइड शो करते हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स स्नेही या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें कि अभी हमने पहले भी देखा था जिसमें कि बेंजीन रिंग में कि जो प्रॉपर्टी होती है वो हैलोजन्स पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है, और अनुनाद की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे नेगेटिव सेंटर्स डेवलप हो जाते हैं। आप चित्र द्वारा देख सकते हैं सेकंड डायग्राम में सेकंड रिंग जो शो कर रहा है वो उस पे ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, और थर्ड वाले स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, और फोर्थ में हम देख रहे हैं फिर से दूसरी तरफ के ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैलोजन ग्रुप के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको बेंजीन रिंग अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे जो नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की संभावना बढ़ जाती है और इन पोजीशंस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग शो करता है। अगले प्रकार की जो अभिक्रिया है वो धातुओं के साथ होती है। अभिक्रिया हम देखेंगे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, जो कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में हेलो एरीन होता है, एक अणु हेलो एरीन का लिया जाता है और एक अणु हेलो एल्केन का लिया जाता है, और इसकी इनकी क्रिया सोडियम मेटल की उपस्थिति में होती है, ईथर के प्रेजेंस में होता है, और इसमें एल्काइल समूह और अराइल समूह दोनों जुड़ जाते हैं आपस में और इस तरह से टॉलोइन मिलता है। दूसरी अभिक्रिया है इसकी फिटिंग अभिक्रिया, जिसमें कि दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अराइल हैलाइड के होते हैं और सोडियम मेटल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है, ईथर इसका बेस होता है, ईथर के सॉल्यूशन में होती है, और दोनों फिनाइल ग्रुप्स आपस में अटैच हो जाते हैं और बाय फिनाइल या डाई फिनाइल बनता है, और जिससे और सोडियम हैलोजन के साथ मिलकर सोडियम हैलाइड के रूप में बाहर निकल जाता है। आज हमने एराइल हैलाइड बनाने की विधियाँ, उनके एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के भौतिक गुण और उनकी रासायनिक अभिक्रियाएँ पढ़ी, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की रासायनिक अभिक्रियाएँ पढ़ी। धन्यवाद।